जब ये फाइनल मैच शुरू होने लगा तो रेड बॉल एक्सप्रेस ओपनिंग टूर्नामेंट ये चल रहा है, इसका ये सिंगल फ्रेम टूर्नामेंट है। फाइनल मैच जब शुरू होने लगा सत्तार भाई वर्सेस तानी, nine
55. Seventy-one. 77.
अब इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमारी ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। सत्तार भाई ये टूर्नामेंट माशाल्लाह जीत चुके हैं। सर ये मोटरसाइकिल जो रेड बॉल एक्सप्रेस ओपनिंग टूर्नामेंट में विनर को दी जानी है, ये सत्तार भाई इसके हकदार हो गए हैं। 180 प्लस एंट्रीज थी और इसमें सत्तार भाई मुकद्दर के सिकंदर ठहरे हैं जो ये टूर्नामेंट वो जीत चुके हैं। अभी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली है स्टार्ट, तो साथ ही शामिल रहिएगा। वीडियो को ज़रा शेयर कर दें, व्यूअर्स आ रहे हैं हमारे पास। एक बड़ा इवेंट है ये कराची के हिसाब से कि आज तक कराची में किसी भी क्लब ने ओपनिंग टूर्नामेंट में भाई के नाम के तौर पर नहीं दी। ये सब बिगेस्ट टूर्नामेंट है सर। हमारे विनर सत्तार भाई इस वक्त इंशाल्लाह भी इनसे तफसील इंटरव्यू लेते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी। माशाल्लाह खुश नसीब हमारे। अच्छा आप ये देखो, वन फ्रेम टूर्नामेंट था, बाइक की भी हवा खुश ले थी, आपने हवा निकाल दी भाई, प्रेशर में थी ना। भगवान भाई आओ, किसके पास जा रहे हो ना। साइलेंस प्लीज, क्वाइट प्लीज। भगवान को देखो। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेड बॉल एक्सप्रेस मॉडल कॉलोनी ब्रांच का जो ओपनिंग टूर्नामेंट था वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। ये टूर्नामेंट वन फ्रेम टूर्नामेंट था और इसमें हमारे पास 180 प्लस एंट्रीज थी। 8 पूल हमने बनाए थे, 32 प्लेयर के 8 पूल थे और इसमें आज हमारा ये फाइनल हुआ। बहुत ही मजेदार ये दिन था। इंशाल्लाह हम इसकी बकायदा तकरीब का आगाज करते हैं तिलावत कुरान करीम से। नेबुल नसीर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि तिलावत के लिए तशरीफ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. جزاك الله خيرا. अब हम तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। इसमें मैं ताहिर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि एज अ चीफ गेस्ट वो हमारे साथ तशरीफ लाएं। इसमें मैं क्वार्टर से हम अब शुरू करते हैं। एक खास वो था हमारा, हमने अनाउंस किया था टूर्नामेंट से हटके, हमने एक अनाउंस किया था कि जो भी पहली सेंचुरी ब्रेक
रेड बॉल, क्योंकि अब ये रेड बॉल हो गया, पहले जेएस स्नोकर एकेडमी था, तो रेड बॉल की ओनरशिप के बाद जो भी पहली सेंचुरी वो मारेगा उसके लिए हमने कैश प्राइज इनाम रखा हुआ था और वो एक सरप्राइज हमने रखा हुआ था। तो वो हमारे जो हमारे एशियन चैंपियन हमारे पास जुल्फिकार अब्दुल कादिर, उन्होंने वो पहली सेंचुरी मारी। अच्छा जुल्फी भाई ने एक सेंचुरी तो मारी मारी और उसके बाद माशाल्लाह दूसरी भी मारी और तीसरी भी सेंचुरी मारी। आज उनको तीन सेंचुरी इसने थ्री टाइम्स ही आया इस क्लब में रेड बॉल होने के बाद और तीनों सेंचुरी इसने एक ही प्लेयर को मारी है। बहुत बहुत मुबारक हो जुल्फी भाई, थैंक यू। इसमें हमने जब टूर्नामेंट ये अनाउंस किया था, इसका सबसे पहले तो मैं इसका मकसद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा टूर्नामेंट था, ओपनिंग टूर्नामेंट जो होते हैं क्लब्स में उसमें नॉर्मली ये होता है कि वन डे एक टूर्नामेंट होता है जो नाइट टूर्नामेंट होता है और उसमें जितने भी प्लेयर्स मौजूद होते हैं सिंगल फ्रेम वो खेलते हैं और कोई भी उसके बाद आखिर में विनिंग अमाउंट होती है 5,000 या 10,000। मैंने काफी ओपनिंग में गया हूँ तो इससे ज्यादा अमाउंट मैंने देखी नहीं। तो उस वक्त मुझे बहुत ये होता था कि एक ऐसी अमाउंट प्लेयर को मिले जो एक रीजनेबल अमाउंट हो कि पूरी रात का वो टूर्नामेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने रेड बॉल मॉडल कॉलोनी का हमने टेक ओवर किया तो उस वक्त हमने ये अनाउंस किया कि हम एक बड़ा इवेंट करवाएंगे, मकसद यही है कि स्नोकर को प्रमोट किया जाए। तो हमने इसमें नो गेम मनी नो एंट्री फीस उसके ऊपर हमने ये टूर्नामेंट अनाउंस किया और विनर को हमने बाइक के नाम में देने का ऐलान किया। तो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा जो भी नए क्लब ओपन होंगे वो इसी तरह से स्नोकर की प्रमोशन के लिए एक अच्छी प्राइज मनी और एक अच्छी एनवायरनमेंट वो देने की वो कोशिश करेंगे। इसके साथ हमने इस टूर्नामेंट में और भी बहुत चीजें हमने अचीव की, इसमें सबसे पहले हमने जो स्नोकर हमारा जो सिंह जो पीछे है कि वो नाइट स्नोकर पे हम आ गए थे, हमने उसको डे के ऊपर हम लेके आए और मैचेस हमने दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक का हमने ये टाइम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा बहुत कामयाब ये तजर्बा रहा। इसके बाद हमने एक और ये अचीवमेंट इसमें की कि हमने बकायदा इसमें 10 मिनट का वॉक ओवर टाइम दिया था और 11वें मिनट के ऊपर हमने इसको वॉक ओवर किया। तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराची में हो रहे होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि जी वो प्लेयर आया नहीं और पेंडिंग्स में चले जाते हैं बहुत सारे मैचेस कि थर्ड राउंड हुआ हुआ है और सेकेंड और फर्स्ट राउंड का भी मैच पेंडिंग में चल रहा है कि जी अभी ये होगा तो उसका वो, इसलिए हमने इस चीज़ को खत्म करने के लिए कि स्नोकर से बढ़ के कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने इस चीज़ को लागू किया कि हम बकायदा इसका एक रूल रखेंगे जो स्नोकर या किसी भी स्पोर्ट्स का हो सकता है। तो बकायदा इसमें हमने 11 मिनट के ऊपर वॉक ओवर दिया और इसमें हमने कोई भी इसमें लिहाज वो नहीं रखा कि वो छोटा प्लेयर है या बड़ा प्लेयर है, हमने स्नोकर को तरजीह दी और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और हम अपने इस मकसद में भी कामयाब हुए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जो अनाउंसमेंट की थी कि हम इसमें बाइक इनाम में देंगे, इसके अलावा हमने कोई भी इसमें प्राइज मनी या कोई भी इनाम हमने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद उन प्लेयर्स का हक बनता है कि उनको कुछ ना कुछ कैश मनी दी जाए जो कम अज कम क्वार्टर्स तक आए। अब मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट जो है मैं उनको एक एक करके बुलाऊंगा और उनसे उनके तासुरात भी हम लेंगे कि कैसा रहा उनके लिए टूर्नामेंट, कैसा रहा उनका ये सफर और हम एक छोटी सी कैश प्राइज उनको हम इंशाल्लाह हम देंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वो शहबाज भाई, जो गेम खेलते हैं तो देखने का दिल करता है कि उनको देखा जाए। शहबाज भाई आपके लिए छोटा सा नंबर है, आपका हम चाहेंगे इस इवेंट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस इवेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरह मुदस्सिर साहब ने और उमर भट्ट ने इनके साथ इनकी टीम ने मिलकर इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, मेरी तरफ से इन दोनों को सलाम है कि इस तरह का इवेंट होना बहुत बड़े एहसास की। उसके बाद में हमारे अपने अगले जो क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं उनको मैं बुलाऊंगा, नसीर भाई। नसीर
जिस तरह मुदस्सर भाई ने बताया कि एक स्नूकर को इन्होंने रिवाइव किया है इस गेम को, और इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंड सेटर है ये किस्म का स्नूकर का ये जो टूर्नामेंट है, कि ये जो बाइक ओपनिंग टूर्नामेंट में दी गई, दूसरा ये कि टाइमिंग्स जो है उन्होंने रात का स्नूकर जो लेट आवर्स में खेलना था, वजह इसके कि बिल्कुल एक अच्छे स्पोर्ट्स की तरह जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया इन द टाइम ऑफ डे लाइट, और फिर सबसे अच्छी बात इनकी थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ईच एंड एवरीवन, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वाकई हमने सबने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और इस तरह के टूर्नामेंट्स जो हैं वाकई ही स्नूकर की रियल प्रमोशन जो है वो यही टूर्नामेंट। मैं आगे भी जो है इनसे भी एक्सपेक्ट करूंगा, और बाकी जो क्लब ओनर्स हैं और बाकी जितने प्लेयर्स हैं और टीम स्नूकर के जो भी है, वो इस तरह के टूर्नामेंट्स पे फोकस करें जो कि वाकई सिंगल फ्रेम्स हों, क्योंकि स्नूकर एज अ स्नूकर प्लेयर, अगर प्लेयर को वाकई अपने शॉट की वैल्यू पता चल जाए तो फिर उसकी ये प्रैक्टिस उसको फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक काम आएगी हमेशा। और आपकी पूरी टीम को, अमर भट्ट को और जो भी आपकी टीम है, दे आर वेरी नाइस एनवायरमेंट और बहुत वेरी अमेजिंग। अच्छा जी, इसके बाद हम तीसरे हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट शमून, क्या शमून नाम है आपका? शमून सर, आपका छोटा फैन वाला तालियां भाई। सबसे क्या कहते हैं, प्लेयर जो भी होता है छोटे लेवल से ऊपर बढ़ता है उसका सबसे यही होता है जो अच्छा प्लेयर बने। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं सीनियर प्लेयर्स के अंदर आकर खेले, जूनियर प्लेयर हो गए, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है रेड बॉल एक्सप्रेस टूर्नामेंट करवाता रहेगा, खेलते रहेंगे। जी हमारे जो फोर्थ क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं हमारे सब मौजूदा सेन चैंपियन फिजर, बहुत जबरदस्त मजा आता है इनको देखते हैं। माशाल्लाह से मेरा जहाँ तक ख्याल है कराची में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ, नो एंट्री नो गेम मनी, तो माशाल्लाह से ऐसे टूर्नामेंट बहुत ज्यादा होने चाहिए, आगे भी होने चाहिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, न्यू टैलेंट को आगे मौका मिलेगा, बहुत अच्छा, मतलब माशाल्लाह से हर चीज अच्छी लगी, बहुत अच्छा माहौल था। उसके बाद ये हमारे जो पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं अली अब्बासी, अली अब्बासी जी, अली भाई ओवर टू। ये भी है क्या, प्लेयर्स को बोलना भी है माशाल्लाह, कल को बल्दी खेलने भाई तो लाइव चला रहा हूँ माशाल्लाह, भारत माशाल्लाह बहुत मजा आया भाई बोल ही नहीं पाया जी। हमारे जो सेकंड सेमीफाइनलिस्ट है वो बाथरूम में बंद है, प्राइस ले लो उसको, बोलो किसी और को, थोड़ा बोलने से नहीं बोले, प्राइस ले लो बोलना नहीं होगा, तो बोले नहीं कुछ आके बोले, हमारे बड़े मासूम से प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। अच्छा, इसमें हम रनर अप और फाइनलिस्ट पे जाने से पहले इस तमाम टूर्नामेंट के
रूए रवा जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि ये टूर्नामेंट हम इतना अच्छा करवा सके, यानी कि एंट्री से लेके ड्रॉ से लेके पूरे मैचेस कराना और फिर अपना भी मैच खेलना, यानी एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत उनका बड़ी अचीवमेंट है कि वो भी इसमें डिसाइडर में वो आ रहे हैं। और आप लोग समझ गए उमर भट्ट उनसे के लिए छोटा सा नजराना है हदिया के तौर पे आ जाए हम छोटा सा नजराना हमारी थोड़ा सा टूर्नामेंट के हमारे कहना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ ठीक है। और हमें सतार भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं ठीक है सब प्लेयर्स को आई लव यू बारी है प्लेयर की जो के 180 प्लस लोगों में लड़ता हुआ आया और आखिरी वो टॉप टू में वो माशाल्लाह वो लड़का हो रहा है लड़का यही मॉडल कॉलोनी का ही है हमारे मेरा का काशी भाई आप आए क्लब है उसके ये ओनर है और माशाल्लाह मैंने वहाँ अभी कल ग्रुप पे भी कहा था कूलेस्ट ओनर जो मुझे अभी तक इनसे मिला हूँ मेरे क्लब से जूनियर्स खेलने आए थे उन तक उन्होंने बहुत इज्जत दी जो बड़ी बात है। तानी को मैं बुलाऊंगा जो हमारे आगे वो अपने काशिफ भाई से बहुत मजा आया इतना बड़ा इवेंट पहली दफा खेला मैंने अच्छा परफॉर्म किया फाइनल तक किया बहुत अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ऐसे खेलेंगे मलीर में इससे पहले ऐसे टूर्नामेंट हुए नहीं है। और उमर भाई हमारे इनका जो इसमें पूरा किरदार था वो बहुत एक्स्ट्रा था बहुत ही क्लास था। ये प्राइजेस नजर आ रहे हैं भाई मेरे हिसाब से बाइक नहीं होनी चाहिए फर्स्ट प्राइज घोड़ा होना चाहिए। अच्छा जी भाई अच्छा एक मिनट जरा यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट सत्तार को बुलाने से पहले जो है ना मैं आप लोगों से चाहूंगा कि खूब जोर से जो है उसके लिए तालियां बजाएं।
जो फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था हमारा जैज एकेडमी का, वो भी सरदार ने जीता था और माशाल्लाह जैज अब रेड बॉल जो है ना, जैज भी और रेड बॉल भी सरदार को बड़ा रास है, तो लिहाजा जो है ना सरदार को ओके जी, हियर कम द चैंप सरदार। अच्छा सतार का फाइनल प्राइज मनी जो है वो तो खैर बस भाई लोगों की तरफ से ऑनर है कि वो उन्होंने गाड़ी के साथ और तमाम प्लेयर्स को और जो भी है ना, उसके अलावा मेरी तरफ से सतार के लिए जो है ना वो स्पेशल जो हाईएस्ट ब्रेक मारी उसने टूर्नामेंट की, सेंचुरी होती तो बहुत ही अच्छा होता लेकिन बहरहाल हाईएस्ट तो हाईएस्ट ही होता है टूर्नामेंट का, तो मेरी तरफ से स्पेशल कैच प्राइज रेड बॉल की तरफ से एड अप होके मेरी तरफ से वो सत्तार को एक 5000 रुपीस के कैश प्राइज। अच्छा जी भाई, तमाम प्लेयर्स जितने भी इस क्लब में आके खेले, पहले भी खेलते थे जब से मुदस्सर भाई उमर भाई ने ओनरशिप ली है उमर उसकी पूरी टीम को, हम खुद भी इस टीम के एक मेंबर्स हैं, तमाम चीजें जो है वो हम रेगुलर आके खेलना, ये मतलब घर के बाद जो दूसरी जगह है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा टाइम देते हैं वो ये क्लब है, और इसका मतलब टूर्नामेंट को मैनेज करना ड्रॉज ये एक बहुत ही जो है ना वो मतलब मुश्किल टास्क है, जो कि उमर भट्ट को मैं उसके लिए स्पेशली आप लोग जो है ना क्लैप कीजिएगा। और जो है ना मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, दिखता बहुत आसान है कि मैचेस हो रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, खेल रहे हैं, इवन वो 6-6 दिन 7-7 दिन जो है ना वो घर नहीं गया, तो उसके लिए जो है ना स्पेशल बहरहाल उनके और टूर्नामेंट जो है ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट था, मतलब आप लोग ये वो जैसे नसीर ने कहा इट वाज अ ट्रेंड सेटर, तो अब अच्छी बात है जितने भी क्लब्स ओपन होंगे उधर इस तरह के टूर्नामेंट्स हो, हैवी किस्म के प्राइजेस दिए जाएं ताकि प्लेयर्स जो हैं जैसे सत्तार है या जो जो भी खेलते हैं तो उनको ये अच्छा भाई सत्तार भाई ने कहा कि उसके अंदर रैंकिंग प्लेयर्स अलाउ होने चाहिए, तो रैंकिंग प्लेयर्स बिल्कुल अलाउ होता है कि वो टॉप रैंकिंग के या जो करंट रैंकिंग के प्लेयर्स अच्छा जी, और जो है ना इसके अलावा बहरहाल एंड अप करते हैं और टूर्नामेंट जो है ना वाली सितार को आने दो, एक और चीज है भाई, एक और बाकी अभी तक आ गया तो कुछ नहीं करता करते तो भाई क्या मामू पति आ जाएंगे साइलेंस, अरे रुको ना ये हो रहे खाने की बात खाने हो रहे यार, नहीं अच्छा एक और अपकमिंग जो है ना इंशाल्लाह इस क्लब में टूर्नामेंट होगा अपकमिंग, वो अभी उमर सबसे मिलके अनाउंस कर देंगे और वो हमारा होगा सनी भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनकी याद में सनी शाहनी मेमोरियल के नाम से टूर्नामेंट होगा और इंशाल्लाह कराची के बेस्ट 40 प्लेयर्स की हम लीग करवाएंगे, प्राइसेस भी होंगे विनर रनर वो स्क्वाड प्लेयर्स को आते हुए जो ना वो नहीं होगा कि नहीं यार, मतलब अच्छे प्राइसेस होंगे इंशाल्लाह ताला, और बाकी जो है ना अब हमारे सत्तार के हमारे जो चैंप हैं उनके हम रिमार्क्स लेंगे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ भी कराची में जहाँ भी क्लब के अंदर टूर्नामेंट हो तो वो रैंकिंग प्लेयर अलाउ रखें, तो इसके लिए हमारे यहाँ हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जब नेशनल होती है या हम पंजाब जाते हैं तो हम नहीं खेल सकते, हम हार जाते हैं उनके आगे, तो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें रैंकिंग प्लेयर अलाउ नहीं होते, मैं बस यही कहना चाहता हूँ और मुदरसर भाई को मुबारकबाद हो, क्लब है आपका, बहुत शुक्रिया सतार, लेकिन क्लब आपका सर, आपको ये टूर्नामेंट कैसा लगा सतार भाई? बहुत अच्छा लगा मुझे टूर्नामेंट, अग्री टूर्नामेंट था, इतना बड़ा टूर्नामेंट कभी हुआ ही नहीं है हमारे सिंध के अंदर देखने को मिला और देखने को भी नहीं मिला, होना चाहिए
आप कह रहे थे की मैं स्पॉन्सर करूंगा इंशाल्लाह, और वो जितना भी होगा अच्छा होके मुदस्सिर भाई लोग की इनकी ऑनरशिप की कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा होगा और जो जो हम कर सकेंगे, लेकिन आपकी कोशिश होगी उनकी याद में टूर्नामेंट कराएंगे और बहुत ही बाकी मेरी तरफ से स्पेशली जो है ना वो मुदस्सिर भाई, उमेर भाई जो इसकी ऑनरशिप मिली क्लब की जैसे रेड बॉल हुआ, और उनके लिए बहुत बहुत जो है ना वो मेरी तरफ से मुबारकबाद उनको, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो इसी तरह जो है वो रेड बॉल ये है या नॉर्थ है जो भी है वो एक टीम बन के खाने का इंतजाम है At the underground, you can never bring us down. Yeah, they're looking for the weapons, we're looking for the crown, bruv. Asal zaruri hai, to jaaniye se bhag nahi. Ladka apna counter pe encounter dimag pe. Content banate hum, samajhte nahi, wo jaanchte. Chahte sunna dil ki, patane ye samaj ke. Dunya nishane pe hai, kismat deti saath bhi. Hum nahi zamane se zamane ke halaat nahi. Hum chhaankte aur taakte, wo marte haatho haath bhai. Last man standing, hato pacho lagi aag bhai. Girte ko thaamte hum, dushmano ko jaante. Raston mein kaante, apno se bhi anjaan. इस मिट्टी को पहचान ले मैं मरने आया शान से हम पाकिस्तान से बंदूकें रखे दान के हटो बचो